So before starting this chapter, what we will be starting with, we will be starting with all the elements. First 20 elements hum start karenge. Theek hai? And जब तक हमने मिड तक पहुंचना है यानी कि बाय नेक्स्ट वीक आपको ये 20 के 20 एलिमेंट्स जो हैं वो टिप्स पे होने चाहिए. दीज 20 एलिमेंट्स दे शुड बी ऑन योर टिप्स क्योंकि इनके बिना कोई चैप्टर नहीं है. आते होंगे तभी ये चैप्टर आप कर सको. ठीक है. सो दीज आर द बेस फॉर योर दिस चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल. स्टेप बाय स्टेप करूंगी. ठीक है. बट आपकी फेयर कॉपीज में एक पूरा चार्ट जाएगा. यू हैव टू ड्रॉ अ फुल चार्ट ऑन योर फेयर नोटबुक. कब बनाना है वो मैं बताऊंगी. ठीक है. बट अभी हम उसको थोड़ा सा कहते हैं डिवाइड कर करके बनाएंगे और फिर जब हम उसको पूरे को क्लब करेंगे मर्ज करेंगे फिर आपने वो सारा चार्ट जो है वो अपनी कॉपी पे बनाना. ओके. आई विल बी स्टार्टिंग विद फर्स्ट 20 एलिमेंट्स और जिस ऑर्डर में मैं लिख रही हूँ आपने उसी ऑर्डर में लिखने हैं. मास्क पहन लो गर्ल्स. ठीक है. जिस ऑर्डर में मैं लिखूंगी आपने उसी ऑर्डर में उनको लर्न करना है. यहाँ पे मैं नेम लिखूंगी एंड हेयर आई विल बी राइटिंग देयर सिंबल्स. यू मस्ट बी नोइंग द एलिमेंट्स ऑल्सो एंड देयर सिंबल्स ऑल्सो. ठीक है. सिंबल्स का आगे थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर है वो मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगी. बट अभी जो आपने याद रखना है फॉर द सिंबल्स चलो अभी बताते हैं. हाइड्रोजन जहां पर मर्जी लिख लो. हाइड्रोजन इज हीलियम. सेकंड इज अब देखो सिंबल का फर्स्ट वाला लेटर विल बी कैपिटल द सेकंड वन विल बी फर्स्ट वन विल बी कैपिटल एंड द सेकंड वन विल बी स्मॉल. ठीक है. कोई भी ऐसा एलिमेंट जब आप लिखोगे जिसके दो अल्फाबेट्स हैं एनी एलिमेंट दैट कंटेन्स टू अल्फाबेट्स द फर्स्ट वन विल बी रिटन इन द कैपिटल वन एंड द सेकंड वन विल बी रिटन इन द स्मॉल. ठीक है. द थर्ड इज लिथियम अगेन एल कैपिटल एंड आई स्मॉल. बेरिलियम बी ई. नेक्स्ट इज बोरोन बी. हाँ जी सीक्वेंस शुड बी सेम. जो सीक्वेंस में मैं लिख रही हूँ उसी सीक्वेंस में आपने लिखना है. नेक्स्ट इज नाइट्रोजन फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन इन सब के सिंगल सिंगल सिंबल्स हैं. क्लोरीन. ठीक है जी. हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन उसके बाद नियॉन. ठीक है. यहां तक स्कीम लर्न हो गई. ठीक है. नाउ द वे टू लर्न इट राइम है फ्लोरीन. There is one rhyme which you should be remembering all the time. Okay? नहीं elements learn हो रहे हैं तो आपने rhyme को याद रखना है. वैसे तो हम जब ये पूरा chapter करेंगे side by side क्योंकि हर जगह ही elements repeat होंगे. At the end when you have to give the exams तो आपकी series जो है ये first 20 elements की आपके tips पे हो जाते हैं. But still in case अगर किसी student को फिर भी नहीं याद होते हैं so we are having a rhyme to learn that. ठीक है. राइम क्या है. हाय हेलो लिसन बी बी सी
news of France. ठीक है, इसमें हमने क्या क्या लेटर सेलेक्ट करने हैं, ये एच है, एच ई, हेलो का एच ई ले लेना है, लिसन का एल आई ले लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद सारे सिंगल सिंगल हैं, बी बी सी, ओके, बट यहाँ पे आपने बी ई लगा लेना है, सिंगल 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 सिंगल, ठीक है। द नेक्स्ट इज नेगा, नेगा का एन ई, यहां तक क्लियर हो गया। हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑफ फ्रांस, यहां तक लर्न हो गया, वो आगे राइमिंग में है। हाय हेलो लिसन, ठीक है, क्लियर टू दिस पॉइंट। गर्ल्स मैंने सीट चेंज कर देनी है, नेगा एन ई जी ए, डन, यहां तक। नेक्स्ट एलिमेंट्स करें तो हमारे फर्स्ट 10 हो गए हैं, 10 के बाद हम लिखेंगे 11 12 13 14 15 17 18 19 एंड 20। The 11th one is sodium. Next is magnesium. Aluminium. Silicon. Phosphorus, next is argon, potassium, calcium. सिंबल्स लिख लेते हैं सबके, अगेन सोडियम इज एन ए, मैग्नीशियम इज एम जी, हाँ जी डन बेटा, लिख लो लिख लो, कोई बात AL. जब हो जाएगा बेटा बता देना, डन। SI, नेगा, नागा, मैजिस्ट्रेट, ऑल सिली पीपल शुड क्लियर एरिथमेटिक
पेपर केयरफुली। नागम इसे अन्य ले लेना है। मैजिस्ट्रेट एमजी, ऑल एएल, सिल्ली का एस आई, पीपल का पी, शुड का एस, क्लियर का सी एल, एरिथमेटिक का ए आर। पेपर को के से याद रखना, ठीक है। ये पेपर की एक्चुअली पोटाशियम के साथ राइमिंग है, ठीक है। तो सिंबल आपने याद कर लेना है के, केयरफुली का सी एल, नागा मैजिस्ट्रेट, ठीक है जी। थ्रू आउट दिस चैप्टर ये स्कीम आपको भूलनी नहीं चाहिए। दिस चैप्टर इज द बेस फॉर योर 10th स्टैंडर्ड। 10th स्टैंडर्ड में जाओगे, फर्स्ट चैप्टर में ही फॉर्मूलाज कंस्ट्रक्ट करने को हैं, इक्वेशंस हैं। तो अगर यहाँ पर आप सीख के जाओगे फॉर्मूलाज बनाने, वो तभी आएंगे। तो ये वाला चैप्टर तो एटलीस्ट यू शुड बी वेरी वेरी सिंसेयर अबाउट दिस चैप्टर। यहाँ पर करोगे तभी वो नेक्स्ट क्लास में समझ आएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। हाँ जी, हो गया क्लियर? Hi, hello, listen. BBC News of France. Nega Naga magistrate. All silly people should clear arithmetic paper carefully. ठीक है? अब दो मिनट इसको देखो और मुझे सुनाओ। Try to learn the elements instead of this. नहीं हो रहे हैं, इसको याद करो और इसके साथ elements को learn करने की कोशिश करो। जैसे ये स्कीम आपके सामने है, हाई से रिमेम्बर करो हाइड्रोजन, हेलो से हीलियम, लिसन से लिथियम, बोरोन, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, न्यू से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, क्लोरीन, ठीक है, समझ आया? गॉट इट? चलिए, अब ये जैसे जैसे हम चैप्टर करेंगे ये स्कीम यूज होती रहेगी साइड बाय साइड, और मैं पूछती जाऊंगी और मुझे पता चल जाएगा किसको नहीं आती, ठीक है। चलिए, नाउ लेट स्टार्ट द चैप्टर। कर दूं यार अब? ओके, द चैप्टर इज अबाउट नाउ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, तो एटम्स, आप 8th स्टैंडर्ड में भी आपका चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, जिसमें आप पढ़ के आते हो अबाउट द मेटल्स, ठीक है। नॉन मेटल्स क्या हैं, हम उनको एटम्स किसको कहते हैं, किन चीजों को हम एलिमेंट्स कहते हैं, ये सारा आपने फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर में भी स्टडी किया, पढ़ा हुआ सारा कुछ आपने। ये वी आर क्लियर विद द डेफिनेशन ऑफ एटम, वी आर क्लियर विद द डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स क्या हैं, मॉलिक्यूल्स क्या हैं, क्लियर है हमें, ठीक है। बट एक्चुअली इन द स्टार्टिंग सम साइंटिस्ट दे वर ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट दीज पार्टिकल्स आर एक्चुअली। ओके, पदार्थ, पदार्थ किसको कहते हैं हम, वी कॉल्ड एनी सब्सटेंस मैटर, सब्सटेंस इट कैन बी इन एनी ऑफ द स्टेट, सॉलिड मैटर, सॉलिड लिक्विड और गैस, ठीक है। तो इनिशियली कुछ साइंटिस्ट थे, ओके, कुछ जो हमारे लेटन पीपल थे, उन्होंने क्या करना शुरू किया, दे स्टार्टेड डिस्कवरिंग अबाउट दीज एलिमेंट्स, कि ये क्या है, ये पदार्थ क्या है, मैटर जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, पदार्थ, व्हाट आर दीज एक्चुअली, ठीक है। देन दे फर्दर कीप ऑन इन्वेस्टिगेटिंग एंड दे फाउंड दैट द मैटर इट इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल थिंग विच वी कॉल्ड एज एटम, और उसको उन्होंने क्या कहा, परमाणु, एटम इज कॉल्ड एज परमाणु। ओके, एंड दे वर एक्चुअली ऑफ द स्टेटमेंट
दैट इफ वी कीप ऑन डिवाइडिंग द मैटर, हम मैटर को डिवाइड करते जाएंगे, वी विल रीच अ स्टेज वेयर दैट थिंग वी कांट डिवाइड. और जब ये स्टेज आ जाती है तो हम उस चीज को, उस पार्टिकल को क्या कहते हैं, एटम कहते हैं. ठीक है, बट एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट थ्योरीज द एटम इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड. बट जो इनिशियल थ्योरीज थी उनके अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं कि हम एटम को और फर्दर सिंपलेस्ट फॉर्म में डिवाइड नहीं कर सकते. तो वो फर्दर अब डिवीजन है ना हमारे पास, दैट इज नाउ, दैट इज फर्दर डिवीजन. ओके, Now there are two laws of chemical combination that was given by actually Antoni Levasseur. Okay, he is a scientist. Antoni Levasseur ने आपको दो laws दिए थे chemical combination के, कि कैसे जो आपके atoms हैं वो combine करते हैं और कैसे जो हैं वो molecules form होते हैं. So the two laws of chemical combination are the first one is law of conservation of mass. Either you can call it as constant, either you can call it as definite. Law of conservation of mass particle can बताऊंगी बेटा. ओके, सो दे वर गिवन बाय Antoni Levasseur. ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की. तो ये आप आई गेस आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि जो मास है वो कंजर्व्ड रहता है हमेशा. And according to Einstein mass energy equivalence relationship, आपको पता है क्या होता है mass energy equivalence relationship? You know Einstein mass energy equivalence relationship? E is equal to mc square, तो ठीक है, but इसका relevance क्या है? क्या कहता है E is equal to mc square? आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप क्या कहता है आपको, कि जो भी एनर्जी है हम उसको मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और जो भी मास है उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, बट जितना मास है डैट विल बी फिक्स्ड, वो कहीं पर नहीं जाएगा. ठीक है, दिस इज मास एनर्जी रिलेशनशिप. अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, कि मैं जितना मास पहले ले रही हूँ रिएक्शन के पहले, अगर किसी चीज का जितना मास है रिएक्शन के बाद भी उतना ही रहेगा. ओके, सपोज अगर मास उतना नहीं रह रहा है तो डैट मींस वो वाला मास जो है वो किसी ना किसी एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया होगा. ओके, तो मास एनर्जी रिलेशनशिप हो गया. अगर मास सेम नहीं आया तो वो कोई ना कोई एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, बट जो एनर्जी और जो मास है जितना पहले था उतना ही बाद में. दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास. Whenever the things combine, okay, the mass of the reactant is equal to the mass of the product. Okay, clear है, right? और क्या कहते हो आप, mass can neither be created nor be destroyed in any of the chemical reaction. हम कोई भी chemical reaction में अपनी तरफ से mass जो है वो create नहीं कर सकते, या जो कोई मास है उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. जितना मास है उतना ही रहेगा. ओके, समझ आया, जितना मास रिएक्टेंट का था उतना ही प्रोडक्ट्स का रहेगा. सो यू कैन राइट डाउन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, mass can neither be created nor be destroyed, mass can neither be created nor be destroyed
but can be converted from one form to another during any chemical change. According to this relationship, mass can neither be created nor be destroyed, but can be converted from one form to the another form in any chemical reaction. Write down the second definition. हाँ जी, ये चीज क्लियर हो गई बेटा. Write down the second definition. During any chemical change, the total mass of the reactant is equal to the total mass of the product. Given by Antoni Levi-Oster. ठीक है, साइंटिस्ट के नेम्स 1-1 मार्क में पूछ सकते हैं. 1774 में दिया था इसमें, ले लो. फर्स्ट वाली रिपीट कर दो. Mass can neither be created nor be destroyed, but can be converted from one form to the another form during any chemical change. And total mass of the reactant is equal to the total mass of the product. ठीक है, कोई भी chemical reaction हो रही है. अब इसके लिए उन्होंने test कैसे किया? How they see that the mass is same. So what they take in the experiment. उन्होंने एक कॉनिकल फ्लास्क ली. ओके, ही टुक अ कॉनिकल फ्लास्क. इस कॉनिकल फ्लास्क में बेरियम क्लोराइड ले लिया. व्हाट ही टुक? बेरियम क्लोराइड इन दिस कॉनिकल फ्लास्क. ठीक है जी. फिर उन्होंने एक शॉर्ट टेस्ट ट्यूब ली, छोटी सी टेस्ट ट्यूब ली, और उसको थ्रेड के साथ टाई करके इसमें डाल दिया. ओके, दैट टेस्ट ट्यूब इट वाज अटैच्ड टू अ थ्रेड. ठीक है जी. इस टेस्ट ट्यूब में क्या लिया? कॉनिकल फ्लास्क में बेरियम क्लोराइड लिया, वे करके ले लिया. वे कर लिया हुआ है कि कितना उसका वे था. ठीक है, उसके बाद एक टेस्ट ट्यूब ली, उस टेस्ट ट्यूब के साथ एक थ्रेड टाई कर लिया और उसको बीच में डिप कर लिया. उस टेस्ट ट्यूब में लिए हैं सोडियम सल्फेट. ठीक है जी, दोनों को सेपरेटली पहले वे किया, फिर डालने के बाद जो फ्लास्क का वेट आया यहाँ पर, अब इस पॉइंट पे उन्होंने फ्लास्क को वे कर लिया कि अभी कितना वेट बन रहा है फ्लास्क का. ठीक है, कर लिया वे. दोनों चीजें थी आपके पास, अलग अलग पड़ी हुई हैं जिनको उसने वे कर लिया हुआ. अब उसके बाद क्या किया उन्होंने, इस थ्रेड को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया. जब आप इसको टिल्ट कर दोगे तो क्या होगा? रिएक्शन हो जाएगी, ये इसमें डिप कर जाएगा सारा. ठीक है, एंड व्हेन बेरियम क्लोराइड इट रिएक्ट्स विद सोडियम सल्फेट,
Then, just a minute. White precipitates of barium sulfate will be formed. जो उसने वे कर लिए बाद में, जो उसने बाद में वे कर लिया और दोनों का वेट सेम आया, ठीक है? नेक्स्ट टाइम फिर से कर लेंगे कल.